हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्म के रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, साथ ही मैं फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध, संगीत प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विवाह के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विवाह की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को सीड श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्री राम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत जे2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NR हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में, एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्राम 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर 9 अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फ़ोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक एनआरआई है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभाम के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। COVID-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्राम 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार वहाँ और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विवाह के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विवाह की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एक शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्री राम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NR हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फ़ोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभाम के रूप में पूजा हेगड़े, सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्राम 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विवाह के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विवाह की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एक शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी की रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NR हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रह 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विवाह के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विवाह की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फ़ोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभाम के रूप में पूजा हेगड़े, सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु से वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। COVID-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्राम 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज की 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्मरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विभा की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विभा के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विभा के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विभा की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्रीराम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का सकल संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संकलन संग्रह 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो बोम्बरिलू भास्कर द्वारा लिखित और निर्देशित है और GA2 पिक्चर्स पर बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित है। यह अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े को गोपी सुंदर द्वारा संगीतबद्ध संगीत, प्रदेश वर्मा द्वारा छायांकन और मार्थंड के वेंकटेश द्वारा संपादन के साथ अभिनीत करता है। फिल्म AR/NRI हर्ष और स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह की प्रेम कथा कहानी का अनुसरण करती है। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण बार बार स्थगित किए जाने के बाद इसे 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अखिल अक्किनेनी हर्ष के रूप में एक NRI है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन विवाह के रूप में पूजा हेगड़े है। सुब्बू के रूप में मुरली शर्मा विवाह के पिता है और लोकेश्वरी के रूप में प्रगति विवाह की माँ है। मेघा के रूप में नेहा शेट्टी है और प्रकाश हर्ष के पिता के रूप में जयप्रकाश है। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फरवरी 2019 में निर्देशक भास्करन ने बनी वासु के तहत GA2 पिक्चर्स के निर्माण के लिए अखिल के साथ मिलकर काम किया। मई 2019 में फिल्म की आधिकारिक तौर पर फिल्मनगर मंदिर हैदराबाद में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो फिल्म के कास्टिंग क्रू ने प्रमुख अभिनेत्री की भूमिका के लिए 100 से अधिक अभिनेत्रियों और मॉडलों का एडिशन लिया। पूजा हेगड़े और ईशा रेब्बा को अगस्त 2019 में लीड के रूप में फाइनल किया गया था। तो बात करें उनके फिल्म के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में हैदराबाद में शुरू हुई। पूजा हेगड़े ने सितंबर 2019 में सेट पर शामिल हुई। फिल्म को जनवरी 2020 में मध्य में न्यूयॉर्क के प्रमुख हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तो बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत गोपी सुंदर द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले 2019 की तमिल फिल्म बेंगलुरु नाटक के लिए भास्कर के साथ सहयोग किया था। 2 मार्च 2020 को श्रीराम द्वारा गाया गया और सुरेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित फिल्म का पहला एकल शीर्षक मनसा मनसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावरण किया गया था। तो बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रिलीज़ 2 अप्रैल 2020 को श्री राम नवमी के दौरान निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इसे जनवरी 2021 फिर अप्रैल 2021 तक वापस धकेल दिया गया था। फरवरी 2021 में फिल्म की रिलीज़ की तारीख 19 जून 2021 घोषित की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को प्रभावित किया और सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया था। रिलीज़ में फिर से देरी हुई। अगस्त 2021 में फिल्म 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होने वाली थी। श्रीग्राम सिनेमाज ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म के वितरक अधिकार हासिल कर लिए थे। तो बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो सितंबर के अंत में दशहरा के अवसर पर रिलीज़ की तारीख को 15 अक्टूबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहा और नेटफ्लिक्स दोनों ने हासिल कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2021 को हुआ था, जबकि 23 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 8 करोड़ का संग्रहण किया। इसने अपने दूसरे दिन दुनिया भर में 3 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार दुनिया भर में कुल 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ हो गया था। इसके तीसरे दिन का संकलन 15 करोड़ था। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले 3 दिनों में 60 लाख की कुल कमाई की और रिलीज़ के दूसरे दिन तक इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। रिलीज़ के एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल विश्वव्यापी संग्रहण 20 करोड़ था। फिल्म ने रिलीज़ के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 50 करोड़ की कमाई की और यह व्यावसायिक सफल रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।